आईपीएल 2019 से पहले होने वाले मिनी ऑक्शन में बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन अभी भी दोस्तों तीन आईपीएल टीमें ऐसी हैं जिन्हें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इस नीलामी में नहीं होने वाली है। इनकी स्क्वाड पहले से ही तैयार है और ये इस नीलामी में बड़े सुकून से बैठने वाले हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं इन्हीं तीनों के टीमों के नाम आपको बताने वाला हूं, तो अंत तक हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप भी आईपीएल के जबरे वाले फैन हैं तो फटाफट हमारे इस एमसीपी माई क्रिकेट प्रोडक्शन के ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए, एमसीपी आर्मी को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहली टीम जो कि बिल्कुल सुकून में इस नीलामी में बैठने वाले हैं, जिसका नाम दोस्तों आपको पहले से पता भी होगा, वो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। दोस्तों सीएसके की टीम ने पिछली बार की नीलामी से ही बड़े स्मार्ट मूव लिए थे और इसका फल ये है कि इनके पास 8.4 करोड़ रुपए बचे हुए, 8.4 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। और दोस्तों इन्हें मैक्सिमम सिर्फ दो खिलाड़ियों को ही खरीदना है, मतलब ये एक बड़ा खिलाड़ी खरीदेंगे और बस इनका काम हो जाएगा। ये एक अनकैप्ड और एक बड़ा खिलाड़ी खरीदने वाले हैं और फिर ये इस पूरी नीलामी में बड़े सुकून से बैठने वाले हैं और इनके लिए नीलामी बड़ी आसान रहने वाली है, थैंक्स टू महेंद्र सिंह धोनी एंड स्टीफन फ्लेमिंग। दोस्तों दूसरी टीम जिन्हें भी किसी तरह का कोई टेंशन इस नीलामी में नहीं रहने वाला है, वो है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। दोस्तों सनराइजर्स के पास 9.7 करोड़ रुपए बचे हुए हैं इस नीलामी से पहले, बहुत ज्यादा रकम है, इन्हें सिर्फ 5 खिलाड़ियों को खरीदना है। दोस्तों अगर अभी हाल में इनकी स्क्वाड को देखें तो ये पूरी तरीके से बैलेंस स्क्वाड नजर आ रहे हैं, ये अपनी करंट स्क्वाड के साथ ही आईपीएल खेल सकते हैं और आईपीएल में एक तगड़ी कंटेंडरशिप दिखा सकते हैं और इसीलिए दोस्तों ये नीलामी इनके लिए बड़ी आसान रहेगी। इतने पैसों में ये सिर्फ एक बड़ा खिलाड़ी खरीदने की कोशिश करेंगे और बाकी ये कुछ अनकैप्ड खिलाड़ियों की तरफ भी जरूर देखेंगे, मतलब इन्हें भी काफी ज्यादा सुकून रहेगा। दोस्तों तीसरी टीम जिन्हें किसी तरह का कोई टेंशन इस नीलामी में नहीं रहने वाला है, वो है मुंबई इंडियंस की टीम। दोस्तों मुंबई के पास 11.15 करोड़ रुपए बचे हुए इस नीलामी से पहले, इन्हें 7 खिलाड़ियों को खरीदना है। करंट स्क्वाड में दोस्तों ये शायद एक बल्लेबाज को खरीदेंगे और कुछ एक दो तेज गेंदबाज को खरीदने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा इनके पास कोई दिक्कत अभी स्क्वाड में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इन्हें मैक्सिमम से 7 खिलाड़ियों को खरीदना है, मतलब ये बहुत सारे अनकैप्ड खिलाड़ियों को ही खरीदेंगे और इसीलिए इनके लिए भी ये नीलामी काफी हद तक सुकून भरी रहने वाली है। तो दोस्तों ये वो तीन टीमें हैं जो इस नीलामी में बड़े आसानी से बिना टेंशन के जाने वाली है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस वीडियो के ऊपर, कमेंट बॉक्स आपके लिए, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए भी आपके लिए भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए।